माय डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं आपका शेफ अमित वशिष्ठ। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं मैक्सिकन राइस। नाउ आइडियली मैक्सिकन राइस हमेशा एक पॉट यानी सिंगल पॉट रेसिपी है जिसे एब्जॉर्प्शन मेथड से बनाया जाता है, पर उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन यानी कि चावल बहुत खिला खिला नहीं निकल के आता। अब चाहे राइस की कोई भी डिश हो, चाहे वो फ्राइड राइस हो या मैक्सिकन राइस हो, जब तक राइस खिला खिला सुंदर नहीं दिखेगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आज मैंने आपके लिए ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ एक मैक्सिकन राइस की रेसिपी बनाई है जिसे आप आराम से घर पे बना सकते हैं और आपका मैक्सिकन राइस आपके दोस्तों और मेहमानों को लगेगा बहुत ही लाजवाब, दिखने में भी और खाने में भी। तो आप राइस की कोई भी डिश बनाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राइस को अच्छे से तैयार करें, यानी कि आपका राइस अच्छी तरीके से खिला खिला दिखना चाहिए। सो जिसके लिए मैं आज यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का बासमती चावल, जिसे मैंने आधे घंटे पहले सोख कर दिया था 2 से 3 बार धोकर। मेरा पानी यहाँ पर बॉईल हो रहा है, मैं इसमें डालूँगा सबसे पहले थोड़ा नमक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि राइस के अंदर तक भी नमक जाए। सो पानी बॉईल कर रहा है और मैं इसमें अब डाल रहा हूँ ये राइस। राइस को मैंने पानी में डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा ऑलिव ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा। अब मैंने गैस को मंदा कर दिया है और मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ अगले 2 से 3 मिनट का, जब तक ये राइस अच्छी तरीके से खुल जाए और लंबा लंबा हो जाए। तो अगर आपने राइस को यहाँ पूरा पका दिया तो वो स्ट्रेनर में भी पकता रहेगा और इवेंचुअली टूट जाएगा। सो 80% राइस होते ही उसे आप निकाल लीजिए। और ये देखिए, आप इस स्टेज पर राइस को निकाल लेंगे। सो अब राइस को करीबन लगेंगे 15 मिनट इस स्ट्रेनर में। इसी बीच में हम तैयार कर लेते हैं अपना मैक्सिकन मसाला और इसे बनाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें है ये बहुत सारे रंग, इन्हें देख के ही इतना अच्छा लग रहा है, तो आई एम श्योर बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ले लिया ये नॉनस्टिक एक खुली कढ़ाई और इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो रेगुलर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैक्सिकन, स्पेनिश, इटालियन खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल ही अच्छा है। सो मेरे पास है कुछ हैलापीनो और मैक्सिकन खाने में हैलापीनो बहुत अच्छी लगती हैं, इनमें से कुछ मैं चॉप कर लेता हूँ। हैलापीनो की वजह से मैक्सिकन राइस में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रहा हूँ सबसे पहले चॉप्ड अनियंस, और अनियन को मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है। हम इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ डालने वाले हैं, पर आपको ये इंश्योर करना है कि ये सब्जियाँ क्रंची रहें, जिससे कि खाने में बहुत मज़ा आए। बस हमें प्याज को इससे ज़्यादा सौते नहीं करना। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ गार्लिक, गार्लिक को भी देखिए मैंने मोटा मोटा चॉप किया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा कैरेट्स, क्योंकि कैरेट्स को पकने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अब हम इसमें डालेंगे बीन्स। कैरेट और बीन्स 2-3 मिनट तक पकते रहेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपनी टमाटो प्योरे। सो ये मेरे पास करीबन 4 चम्मच टमाटो प्योरे है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। और एक शेफ सीक्रेट, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी टमाटो केचप। केचप हम सबको पसंद है घर में, बट इसकी वजह से आएगी एक बहुत ही अच्छी शाइन आपके मैक्सिकन राइस में। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, और मैक्सिकन, स्पेनिश, इंडियन क्यूजीन में काफ़ी सारे मसाले हैं जो कॉमन है। जैसे हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा नमक, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं देगी मिर्च या फिर कश्मीरी मिर्च पाउडर का, और मैक्सिकन क्यूजीन में इसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं पपरिका पाउडर का, जो कि एक बहुत ही तीखी मिर्च नहीं है। साथ में हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर, और अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा ओरिगैनो। साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर जिसे मैंने हाथ से पीसा हुआ है, और इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा पानी। एक बार सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब बारी आती है कलर्ड कैप्सिकम डालने की। ये मैंने हाथ से मोटी मोटी कैप्सिकम काटी हुई है, इसे आपको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही इसमें डालना है। अब हम डालेंगे थोड़े ग्रीन पीस, साथ में थोड़े अमेरिकन कॉर्न, अगर आपके पास कॉर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, बट डालेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में ये किडनी बीन्स यानी राजमा, जिसे मैंने ऑलरेडी बॉईल कर रखा हुआ है, और हमारी हैलापीनो, ये भी अब हम इसमें डाल रहे हैं। एक बार इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब्जियां सारी हमारी मिक्स हो गई हैं, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। इसका नमक इतना होना चाहिए कि जब हम इसमें 400 ग्राम उबले हुए चावल यानी करीबन 800 से 900 ग्राम चावल डालें तो उसके बाद भी नमक ठीक हो। नमक मसाले में थोड़ा ज़्यादा है,
बट वो चावल डालने के बाद बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी ग्रेवी का मसाला या मिक्सचर बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए। हमें इसके अंदर ये 800 ग्राम चावल डालने हैं और ये चावल डालने के बाद ये ग्रेवी की तरह नहीं होना चाहिए, लटपटा होना चाहिए। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारे चावल एकदम खिले खिले हैं और ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और ये इस समय फ़िलहाल गर्म है तो ये आसानी से मसाले में मिल भी जाएंगे। अब ये राइस जा रहे हैं मसाले में। इसमें हम डालेंगे ये चॉप्ड स्प्रिंग अनियन, काफ़ी सारा स्प्रिंग अनियन, ये बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में ये बारीक कटा हुआ धनिया मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब बिल्कुल प्यार से इस मैक्सिकन मसाला को हम इस राइस में ऐसे मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है एकदम खिला हुआ मैक्सिकन राइस, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो चलिए इसे जल्दी से सर्व करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी फैमिली कहे कि उन्हें मैक्सिकन राइस खाना है तो आप बड़े गर्व के साथ कह सकती हैं कि मैं आपके लिए एक घर में ही बना देती हूँ। आप देखते रहिए हमारा चैनल ऐसी सिंपल सिंपल रेसिपीज़ के लिए जिन्हें आप अपने बच्चों अपनी फैमिली के लिए आराम से अपने घर के कंफर्ट में ही बना सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। आप देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर।